तो एयरपॉड वन मैंने पहले अनबॉक्स किया हुआ है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर में लिंक आ रहा है, यहाँ जाके आप देख सकते हो उसको। और हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं दोनों। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एयरपॉड टू की बेसिकली, और ये पूरी वीडियो है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। तो ये यहाँ पे है हमारे पास एयरपॉड वन और एयरपॉड टू, लेकिन यहाँ पे बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर हम कंपैरिजन कर लें दोनों की पैकेजिंग में, तो यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, सारी डिटेल्स वगैरह, डिटेल्स अलग होंगी डेफिनेटली, लेकिन काफी हद तक सेम है। यहाँ पे भी एप्पल का लोगो सेम मिल जाता है, एयरपॉड लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि एयरपॉड वन है या एयरपॉड टू है। उसके अलावा इधर भी एप्पल का लोगो है। अगर हम बात करें फ्रंट में, तो भाई फ्रंट भी बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ पे, और अगर हम बात करें बैक साइड तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पे आप नियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें कौन सा है, ऐसा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, एयरपॉड टू ये वाला है, क्योंकि ये थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एयरपॉड है अभी। एयरपॉड वन जो है उसका मैं ऑलरेडी बाहर निकाल के उसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि चलो ये खाली डब्बा है। द ओनली डिफरेंस इज कि एयरपॉड टू के अंदर हे सिरी का फंक्शन आ जाता है, मतलब आप वॉइस कमांड से यहाँ पे कोई भी चीज करवा सकते हो अपने आईफोन के अंदर। उसके अलावा बात करें यहाँ पे क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी की, बैटरी बैकअप की, टेक्निकल टर्म्स की, सॉफ्टवेयर की, सब कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलने वाला है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है आपको डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, कोई एयरपॉड वन टू का नहीं है। यहाँ पे कुछ मैनुअल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको सेम कि कैसे यूज करना है, और ये गारंटी कार्ड वगैरह है, वारंटी कार्ड सॉरी, और यहाँ पे एप्पल के स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे निकल के आ जाता है आपका एयरपॉड टू, जो कि दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है एयरपॉड वन के। इसको रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे चेयर को पुल करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी लाइटनिंग केबल, यूएसबी टू लाइटनिंग, जो इसको चार्ज करने के काम में आती है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम एयरपॉड टू की, तो बहुत हाई क्वालिटी का प्लास्टिक केस मिल जाता है, जो कि पूरा ग्लॉसी है, और ग्लॉसी होने की वजह से स्क्रैच फ्री है। मतलब इसको पॉकेट वगैरह में रखने से आपको जल्दी यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे आपको मिल जाता है लाइटनिंग जैक, जो कि काम आता है इसको चार्ज करने में। अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो ये आपको बैटरी बैकअप देते हैं 5 से 6 घंटे का एक बार यूज करने पे, और उसके बाद अगर आप इस केस को दोबारा से चार्ज कर लेते हो, तो ये केस इन एयरपॉड को कम से कम 4 बार और एक्स्ट्रा जूसअप कर देता है और चार्ज कर लेता। तो मतलब इन टोटल ये पूरा किट जो है ये आपको बैटरी बैकअप दे देगा अराउंड 24 घंटे के आसपास का। उसके बाद यहाँ पे जो इसका कैप है वो मिल जाता है, जिसके अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से माउंटेड है, और जो क्वालिटी है कैप की भी वो काफ़ी एक्सलेंट है। यहाँ पे आप देखो तो नीचे यहाँ पे एक इंडिकेटर मिल जाता है ग्रीन कलर का, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जिसको आप प्रेस करके इस एयरपॉड को बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे बात कर ले हम एयरपॉड की, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, और कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है एयरपॉड वन और टू में। सेम कटआउट है, सेम सेंसर है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं बता सकते। यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है छोटा सा, जो डॉट देख रहे हो। यहाँ पे अंदर आपको सेंसर मिल जाता है, जो डिटेक्ट करता है कि एयरपॉड आपके कान के अंदर है या नहीं। नीचे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की जो फिनिशिंग है वो मिल जाती है, जो इसको चार्जिंग करने में भी यूज में आती है। तो यहाँ पे अब हम एयरपॉड को कनेक्ट कर लेते हैं अपने आईफोन के साथ। तो ये मैं कर चुका हूँ कनेक्ट, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एयरपॉड की बैटरी बैकअप आ जाती है, उसके साथ यहाँ पे जो केस है उसका भी बैटरी का इंडिकेशन आ जाता है। तो दोनों इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसको बाहर फर्दर पुल आउट करते हो, तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट आपको पता लग जाता है कि दोनों में कितनी बैटरी है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट आ गया, और उसके बाद दोनों 100-100 है, और यहाँ पे 80% केस की बैटरी है। इसको रखते ही दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो यार ये काफी एक्सीलेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें एयरपॉड वन और टू में, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं, लेकिन हाँ एयरपॉड टू में मुझे फील होता है कि थोड़ी सी जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रोवाइज हुई है। वैसे एयरपॉड वन भी यहाँ पे स्लो नहीं था, लेकिन एयरपॉड टू स्लाइटली मतलब कुछ सेकंड्स का यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है कनेक्टिविटी में। तो ये रहे भाई एयरपॉड वन, यहाँ पे ये रहा एयरपॉड टू, और दोनों में लिटरली कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाते हैं, आगे से देख लो आप, पीछे से देख लो, कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो कनेक्टर जैक जो है वहां पे भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, और इनफैक्ट उससे ज्यादा अगर हम दोनों को ओपन भी करते हैं, तो वहां भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है आपके दोनों एयरपॉड्स में। तो यहाँ पे हमने दोनों आईफोन को दो अलग अलग एयरपॉड से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे एयरपॉड वन है, यहाँ पे एयरपॉड टू है, एयरपॉड वन और टू। अब यहाँ पे हम देखते हैं पेयरिंग की। तो अगर मैं एयरपॉड टू को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोन के स्क्रीन पे पहले जिसमें एयरपॉड वन कनेक्ट है वो बोलता है कि दिस इज नॉट योर एयरपॉड, और यहाँ पे ये इसमें कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं एयरपॉड वन की, अगर हम उसको ओपन करते हैं, तो वहां पे भी ये चीज देखने को मिलती है। जो पहला फोन है उसमें जिसमें एयरपॉड वन कनेक्ट था, वो बोलता है कि हाँ भाई ये
लेंथ हो गया, वहीं पर दूसरा बोलता है कि नहीं एयरपॉड जो है वन ये आपका नहीं है। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि दोनों फ़ोन पहचानते हैं कि भाई कौन सा एयरपॉड उनसे ऑफिशियली कनेक्टेड है। तो ये दोनों फ़ोन अलग अलग आईडी पे हैं, अगर ये सेम आईडी पे होते तब ये कनेक्ट हो जाते, लेकिन अलग अलग आईडी पे है तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी मिल जाती है आपको कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ ओपन करता हूँ और ये देखो यहाँ पे एयरपॉड 2 की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी जल्दी आती है, एयरपॉड 1 की थोड़ी रुक के आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।